गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का मेरी गार्डन में स्वागत है। आज सुबह सुबह जो सीन मिस हो जाता था वो सीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। या गुलाब उगा है। तो अभी सुबह सुबह हम लोगों का सेशन होता है पूजा के लिए फूल तोड़ने का। तो चलिए बेटा फूल तोड़ लीजिए। यस, ये वाइट वाला ले लीजिए। अच्छा ठीक। तो सुबह सुबह हम लोग फूल तोड़ने का सेशन है और जो मिस हो जाता था। हमने समझा नहीं, हमने जाना नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये ज़िंदगी का सफ़र ऐसा ही सफ़र है जो किसी को समझ में नहीं आता। अभी इतने दुखों का दौर चल रहा है, तो साथियों ये दुख के बादल हैं, आज आए हैं कल छट जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आसमान, यास तूफान का असर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और छठ ही गए हैं। तो इस पर भी एक गाना है, आने वाला कल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बसा ले, कल जो है वो जाने वाला है। हो आने वाला कल जाने वाला है। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। पंद्रह दिन होने को है, हमने जो मिर्च के बीज लगाए थे घर वाले लाल मिर्च के बीज, वो देख सकते हैं वो पौधे हमारे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। ये अनार अभी हो नहीं रहा था, इसका सीजन नहीं था तो फ्रूटिंग नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने इसमें ग्रो किया है। लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक इस साइड और एक उस साइड पौधा ग्रो करूँगा और उसके बाद बाकी के पौधे किसी और जगह जुगाड़ से ही लगाऊँगा। आप देख सकते हैं ये हमारे मिर्च के पौधे हैं, इसके अपडेट हमने दिखाए। 15 दिन में ये इतने छोटे छोटे पौधे हुए हैं। हमको लगता है कि एक दो महीना होते होते इसमें फ्रूटिंग आ सकती है, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फ्रूटिंग आ सकती है, तो उसका अपडेट भी मैं आपको दूंगा। फिलहाल मैंने कैसे जर्मिनेट किए वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ही वीडियो है। और आगे पौधा कैसा होगा इसका अपडेट मैं अपने रेगुलर अपडेट्स में देता रहूँगा। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ कि मैंने